दोस्तों आज के टाइम में या फिर कभी भी अगर आप एयरलाइन में जॉब पाना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं तो वहां एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने वक्त या फिर अप्लाई करने से पहले वहां एक बात साफ लिखी होती है कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। ये रहा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं वॉक इन इंटरव्यू में बिना कुछ फॉर्म फिलअप किए डायरेक्टली आपको पता चला कि किसी एयरलाइन का वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है और आप वहां चले गए इंटरव्यू देने के लिए, तो दोस्तों वहां भी जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। इसका मतलब ये है और आप भी जानते हैं एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं बात करूंगा जेट एयरवेज के करियर के बारे में, यानी कि दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के थंबनेल में, आज की इस वीडियो में मैं उसी एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए आपको ये बताऊंगा कि आज के टाइम में जेट एयरवेज का लेटेस्ट अपडेट क्या है और उसका फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपने स्पाइस जेट के बारे में सुना होगा, अगर आपने विस्तारा के बारे में सुना होगा, अब आप यहां पर यह पूछेंगे कि सर इसमें सुनने वाली क्या बात है, स्पाइस जेट और विस्तारा आज के टाइम में इंडियन एविएशन में अपनी एक मजबूत पकड़ बना चुकी हैं एंड डेफिनेटली हर कोई उनमें ज्वाइन करना चाहता है। तो दोस्तों आप एक बार सोचिए, उसी विस्तारा एयरलाइन, उसी स्पाइस जेट के अगर एक बहुत ही सॉलिड, एक मजबूत स्तंभ अगर आकर किसी ऐसी एयरलाइन को सपोर्ट करे जो कि दोबारा से उड़ने वाली है तो कितना मजा आएगा। जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही पहचाना, संजीव कपूर जेट एयरवेज को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे। और एक बात यहां पर बताना जरूरी समझता हूं कि दोस्तों ये वही संजीव कपूर हैं जो ऑलरेडी स्पाइस जेट और विस्तारा में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही हाई पोजीशन पे वर्क कर चुके हैं। मैं यहां पर पोजीशन और किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों अगर अब तक आपने जेट एयरवेज में अप्लाई नहीं किया है तो आपको अपना रिज्यूम जरूर भेजना चाहिए। एक बात यहां ऐड करना चाहूंगा, ऐसा हो सकता है कि जब आप उस ईमेल आईडी जो कि अभी आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस पर जब आप अपना रिज्यूम भेजेंगे, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजेंगे, तो हो सकता है कि आपको वहां से इस तरह का मैसेज आए कि दिस इज ब्लॉक्ड या फिर योर मेल और योर मैसेज इज नॉट डिलीवर्ड। परेशान होने की बात नहीं है, कीप ट्राइंग। जब भी उनका विंडो ओपन होगा उनके पास, दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा 2022 में हम लोग रन कर रहे हैं और ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों में शायद दोबारा से जेट एयरवेज फ्लाई करने लगे। और एक बात मानकर चलिए, जेट और अकासा ये दो एयरलाइंस जिनमें से एक के पास ऑलरेडी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, नेम फेम उसका है, और दूसरे के पास अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं, दोनों जब आएंगे उस वक्त इंडियन एविएशन में जॉब और पोजीशन का क्या हाल होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। दोस्तों यहां एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपने अकासा एयरलाइन में अप्लाई किया है, अगर आपने इंडिगो में अप्लाई किया है, तो उसके डिटेल्स को जानने समझने के लिए ऊपर आई बटन में जो वीडियो आप देख पा रहे हैं उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैंने अकासा, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, जितनी भी वैकेंसीज आती रहती हैं सबके बारे में वीडियो बनाता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स में मोटिवेट होता हूं और कंटेंट्स बनाने के लिए। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।